हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैसा तो कहीं भी फ्री में नहीं मिलता है, आपको कुछ करना पड़ेगा, पैसे तभी मिलेंगे। सेम इसमें भी आपको काम करना होता है फ्रीलांसिंग में। आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हैं ये पूरा पूरा डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। लेकिन इन सब को जानने से पहले कि आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग काम कैसे करता है, पहले ये जान लेते हैं कि फ्रीलांसर होता क्या है। दोस्तों, चलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी के लिए काम करेंगे और सिर्फ उसी कंपनी, एक ही कंपनी के लिए काम करेंगे और पर्टिकुलर फील्ड में आप वर्क करते रहेंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग में काम करने का यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप एक साथ मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी काम नहीं आता और आपको पैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको कोई भी स्किल सीखना होगा। जैसे मान लो कि मुझे आता है वेबसाइट बनाना, यूट्यूब का चैनल बनाना, चैनल आर्ट बनाना, लोगो बनाना, थंबनेल बनाना, मैं थोड़ा बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। इसी प्रकार आपको कुछ स्किल्स सीखने होते हैं और उन स्किल्स को आप बेचते हैं वहाँ पर। बेसिकली आप फ्रीलांसिंग में अपना स्किल बेचते हैं। वहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट कम्प्लीट करते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। प्रोजेक्ट देता कौन है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो सारे काम नहीं आते हैं, वो सारे स्किल्स नहीं है उनमें जो आपके अंदर है, और आप वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते, और उसी के बदले वो पेमेंट करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि एक एक छोटे छोटे काम के बहुत सारे यहाँ पर पैसे मिलते हैं। जैसे एक एक काम, मान लो लोगो बनाना आपको आ गया, तो एक लोगो बनाने का आप $5 से $8 चार्जेस कर सकते। दोस्तों, फ्रीलांसर से बहुत ज्यादा अर्निंग किया जा सकता है। यदि आपको कोई भी स्किल आता है तो आप मात्र 2 से 3 घंटे काम करके बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लगभग $40 से $50 या उससे भी अधिक अर्निंग कर सकते हैं। $1 की कीमत, जैसा कि आपको पता है कि 74-75 रुपए चल रहा है, और एक एक प्रोजेक्ट पर आपको $8 से $10, $5 मिनिमम, $5 तो मिलता ही है, $5 से कम किसी भी काम का नहीं है, मिनिमम $5 से ऊपर ही मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपना पोर्टफोलियो सही करना होगा, आपको अपना इमेज सही बनाना होगा, और आप अपना काम, अपना सर्विस एकदम सही कीजिए ताकि जो काम देने वाला, जो प्रोजेक्ट देने वाला है वो हैप्पी रहे, खुश रहे आपके काम से, और अगली बार उसे फिर से अगर कोई काम हो तो आपको उस काम के लिए हायर करे। तो इस तरह आप फ्रीलांसर में काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फ्रीलांसिंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में काम करने से पहले आपको अपने अंदर का स्किल पहचानना होगा, और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांस, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके, आप अपना गिग बना के वहां पर अपना सर्विस दे सकते हैं और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप इसे एक्सपेंस कर सकते हैं, क्या आप इसे एज ए बिजनेस ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पोर्टफोलियो अच्छे बन गए, आपके प्रोफाइल अच्छे बन गए, गिग अच्छे हैं, तो आपको वर्क मिलना, प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो आप इसके साथ अपना टीम बैठा सकते हैं, बहुत सारे लोगों का एक साथ टीम बना सकते हैं और उन सबको काम करवा सकते हैं एक साथ। इस तरह आप अपने इस काम को एज अ बिजनेस ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम इसे अपना एज अ कैरियर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन 100% इस पर डिपेंड नहीं रहना है। पहले आपको अपना परफॉर्मेंस देखना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप इस पर काम कर पा रहे हैं या नहीं, कंटिन्यूअस आप इसमें काम कर सकते हैं कि नहीं, तभी आप डिसीजन लीजिए कि आपको इसे एज अ कैरियर लेना है कि नहीं। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सारी जानकारी देने में सफल रहा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।